वैसे तो जो आगम हैं और तंत्र हैं वो ही इन्होंने आधार अपने मूल माने हैं। शैविज्म, कश्मीर शैविज्म के मूल में भी आगम हैं। आगम कितने हैं वो हमने शुरू में देखा, 28 आगम हैं। तो इनके मूल में भी आगम हैं। ये वेद को प्रमाण ना मानने नहीं मानते, आगम को प्रमाण मानते हैं। और उसके साथ दूसरी चीज़ जो है आगम के साथ वो है तंत्रागम। तंत्रागमों को भी ये प्रमाण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका आधार है वो तो वही है जिसका हम पहले वर्णन किया, शिव सूत्र। वैसे तो उनको मानते हैं, शिव सूत्र को आधार सबसे बड़ा मानते हैं। अब शिव सूत्र का तो पहले हमने देख ही लिया है कि ये तो स्वयं भगवान ने दिए हैं। तो ये सारे सूत्र, अब इन सूत्रों का क्या है कि इन सूत्रों के अंदर जो गुण हैं उनको हम देखते हैं कि इन सूत्रों वाले सारे गुणों को इन्होंने माना है। 28 गुण इन्होंने माना, 36 गुण इन्होंने माने हैं। ये 36 गुण जो हैं इनके के सारे संसार के जितने भी चीज़ें हैं उसमें इन्होंने हमारे प्रकृति के मानने वाले तो 3 ही गुण मानते हैं और वैशेषिक वाले 24 गुण मानते हैं, लेकिन इन्होंने 36 गुण माने हैं। सारे 36 गुण हैं, बहुत लंबी सूची है, 36 की 36 गुण इन्होंने माने हैं। और उसके आधार पर इन्होंने अपने परम तत्व को, शिव की शिव तत्व को एक्सप्लेन किया है। तो शिव तत्व क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये मांग कहते हैं कि जो परम आराध्य है, जिसकी आराधना करने के अलावा और किसी की आराधना की आवश्यकता नहीं होती, वो शिव है। शिव के बहुत सारे नाम हैं, परमात्मा, परमेश्वर, परम शिव, अनुत्तर, जिसका कोई उत्तर नहीं है। शिव परम तत्व हैं जिनका दुनिया के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं और कोई उसके मुकाबले में चीज़ नहीं आ सकती। तो शिव का नाम इन्होंने एक रखा, अनुत्तर हैं शिव। शिव जगत के कर्ता हैं, सारे के सारे उनको कर्ता भी माना शिव को। शिव सच्चिदानंद हैं। हम ब्रह्मा को सच्चिदानंद, ब्रह्म को मानते हैं, ये कहते हैं शिव ही सच्चिदानंद हैं। शिव सत है, शिव की सबसे महान शक्ति और शिव का बड़ा स्वरूप जो है जिसको हमने उनत्तर का या अनुत्तर का स्वरूप देखा वो है चित्त, सच्चित। और उससे हमारे जो अनुत्तर है उसके ऊपर जो शक्ति आधारित खड़ी है वो है आनंद। आनंद उसके ऊपर है। तो शिव सच्चिदानंद है, व्यापक हैं शिव सारे में सारे। शिव जो हैं वो अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म नहीं हुआ ना कभी उनका नाश होगा। शिव का अजन्मा शक्ति हैं शिव जो हैं, इसलिए शिव को कई जगह स्वयंभू कहा जाता है। शिव के जो लिंग हैं बहुत सारी जगह उनको स्वयंभू इसलिए कहा जाता है कि स्वयं वो शिव जी अपने आप ही संसार में प्रकट हुए हैं, उनका कोई अनादि और कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है। तो शिव जो हैं वो अनादि लेकर के चलते हैं उनका। और शिव जो है उनमें सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध चेतना है भगवान, लेकिन शुद्ध चेतना होते हुए भी वो वेदांतियों की तरह से नहीं है कि शुद्ध चेतना, इनका जो इनकी जो शुद्ध चेतना यानी शिव जो है वो निष्क्रिय नहीं है, क्रियाशील है, क्रिया उनकी एक शक्ति है। तो थोड़ा सा अंतर हो गया वेदांतियों से इनका कि शुद्ध तत्व वो भी मानते हैं, ब्रह्म जो है शुद्ध तत्व है, और यहाँ शिव को शुद्ध चैतन्य मानते हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं मिली हुई। जब सारे बलों से शुद्ध होकर के आ जाता है तो शिव तत्व हो जाता है। तो शिव को इन्होंने, अब ये शिव जो है जब इनकी स्फुरण शक्ति जागती है, जब ये अपने आप को प्रकट करने के चलते हैं, जब स्पंदन होता है, स्पंद शक्ति इनको स्पंदन कर देती है पैदा, तो ये दो रूप में विभाजित हो जाते हैं। यही इस दर्शन की विशेषता है, ये दो रूप में विशाषित होते हैं, एक रूप कहलाता है शिव और एक रूप कहलाता है शक्ति। शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इसके लिए जो शिव का रूप है वो है अर्धनारीश्वर रूप। शिव आधे पुरुष हैं और आधे नारी हैं, यानी शक्ति और शिव का मेल है पूरा। आधे अंग में पार्वती हैं और आधे अंग में भगवान शंकर हैं। शिव और शक्ति को कहीं अलग किया ही नहीं जा सकता हर तरह से।
तो इसलिए शिव जो हैं जब अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं तो दो रूप में प्रकट होते हैं, ये शिव रूप है, ये शक्ति रूप है। और फिर ये संसार की का क्रिएशन करने के लिए दोनों शक्तियाँ जब चलती हैं कि अब भगवान को हमने प्रकट करना है, शिव करना है, तो इनका नाम हो जाता है, एक का नाम जो शिव है उसका नाम हो जाता है प्रकाश, और जो शक्ति है उसका नाम हो जाता है विमर्श। प्रकाश ही सारे जगत को चेतना करता है। प्रकाश की तुलना इन्होंने की है जैसे मिरर होता है, शीशा होता है, तो शीशा क्या करता है कि जगत की जो भी वस्तु उसके सामने आती है उसको प्रकाशित कर देता है, प्रतिबिंबित कर देता है, उसका प्रतिबिंब बना देता है सारा का सारा। कोई भी शक्ति आए उसको प्रकाश करने का काम मिरर का होता है। तो भगवान शंकर का भी यही रूप है, प्रकाश है भगवान शंकर के, सारे जगत की जितनी शक्तियाँ हैं वो अंधकार में। इसको थोड़ा थोड़ा हम कंपेयर तो कर सकते हैं सांख से, लेकिन सांख जैसा नहीं है ये, क्योंकि सांख भी मानता है कि पुरुष अपने प्रकाश से प्रकृति के अंदर सर्वगर्भा है प्रकृति, तो प्रकृति कोई चीज़ ऐसी नहीं जो प्रकृति में ना हो, तो सर्वगर्भा प्रकृति है, लेकिन वो अंधकार में रहती है इसलिए उसको प्रकट नहीं होता, संसार की क्रिएशन नहीं होती। तो जब पुरुष आता है उसके संपर्क में और पुरुष प्रकृति पर लाइट फेंकता है, प्रकाश फेंकता है, तो वो चीज़ें जो अव्यक्त हैं वो व्यक्त होने लगती हैं। तो यहाँ पुरुष के प्रकाश डालने से वो शक्तियाँ बाहर निकलने लगती हैं। लेकिन शिव कहते हैं कि शिव तो शक्तियाँ तो हैं, सारी चीज़ें हैं ऐसी कैसी, लेकिन वो छुपी हुई हैं, पड़ी हुई हैं छुप करके। तो शिव जब प्रकाश करते हैं, प्रकाशित होते हैं शिव, तो सारा संसार जो है वो दिखने लगता है, चमकने लगता है। इसी को क्रिएशन कहते हैं। शिव ना तो विमर्श, शैव लोग जो हैं ना तो सत्कार्यवाद को मानते हैं, ना परिणामवाद को मानते हैं, ना विवर्तवाद को मानते हैं। वो तो सिर्फ रोशन के मारे प्रकाश जो है वो रोशन कर देता है उनको, इसमें ना कोई नई चीज़ क्रिएट होती है, जैसी जैसी जो चीज़ है उसको प्रतिबिंबित कर देते हैं, और उस प्रतिबिंब की जो परछाई पड़ती है उसको कहा जाता है विमर्श शक्ति। वो विमर्श जो है वो नारी रूप में है, लेकिन वो पीछे छुपी रहती है। इसलिए आज जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फ्रायड हैं, वो उसको इस रूप में मानते हैं कि ये अनकॉन्शियस है, वो प्रकाश है वो कॉन्शियस है और ये अनकॉन्शियस है। और चूंकि अनकॉन्शियस छुपा रहता है इसलिए उसको उन्होंने डार्क मदर कहा है। फ्रायड ने भी, यूंग ने भी इनको कहा है कि ये जो शिव वाले तंत्र हैं, इन तंत्रों के मानी गहरे हैं बड़े, और ये इतने गहरे हैं कि जिनको केवल साइंस ही समझ सकती है। तंत्र कोई जादू टोना नहीं है, तंत्र कोई भूत प्रेत उतारने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि तंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है पर्सनैलिटी बिल्डिंग का। पर्सनैलिटी बिल्ड जिससे होती है, किससे समझेगी, प्रकाश को समझो, तो जो चीज़ें प्रकाशित हो गई हैं वो हमारे कॉन्शियस में से आ गई हैं, हमारे कॉन्शियसनेस के सामने आ गई हैं। लेकिन फ्रायड से पहले किसी आदमी को भी अनकॉन्शियस का ज्ञान नहीं था कि अनकॉन्शियस भी है कोई। जब उन्होंने भारतीय दर्शन में चीज़ देखी तो उन्होंने कहा ये जो विमर्श है यही शक्तिशाली है बहुत ज़्यादा, ये अनकॉन्शियस जो है ये बड़ा शक्तिशाली है, ये आदमी को पागल बना देता है कई बार। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा कि काली है, इसका बड़ा भयंकर रूप है, और अगर अनकॉन्शियस को आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो आप सारी बीमारियाँ ही, वहाँ तो लिखा हुआ है सारे जितने भी फ्रॉड के वो हैं, इट इज़ ऑल सेक्स एंड सेक्स ऑलवेज। जब भी कोई मेंटल केस आया बीमारी का तो ये कहो ये महाकाली इससे रुष्ट हो गई हैं। तो इन्होंने भगवान शंकर ने इसको विमर्श रूप दिया है, इन्होंने यानी कश्मीर से जिन्होंने इनको विमर्श रूप दिया है, जिसका साइंटिफिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ये विमर्श ही सारे इस शक्ति के बिना काम नहीं कर सकता शिव। शिव जो है निष्क्रिय रह ही नहीं सकता, निष्क्रिय हो जाएगा अगर ये शक्ति ना हो। और ये प्रकाश का क्या काम है कि प्रकाश के आगे कोई वस्तु आए तो उसको ऐसा का ऐसा ही प्रकाशित कर देता है, लेकिन अगर कोई वस्तु ना आए तब भी प्रकाश वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कि शीशा है, उस शीशे के आगे वस्तु आएंगी तो शीशा उनका प्रतिबिंब बना देगा, और अगर शीशे के आगे कोई वस्तु नहीं आए तो वहाँ शीशा फिर भी शीशा ही रहेगा,
प्रकाश करने वाला, प्रतिबिंब बनाने वाला। तो इनके यहाँ भी कश्मीर शहर में ये है कि जो प्रकाश है उस प्रकाश में जितने भी तत्व दुनिया के आते हैं वो उनका प्रतिबिंब बना के ऐसा कैसे ही वापस कर देता है, क्योंकि शिव ही यथार्थ हैं, बाकी चीज़ें सब शिव से प्रतिबिंबित होती हैं, वो सबका प्रतिबिंब मात्र। शिव जिसको प्रकाशित करते हैं वही चीज़ सत्य दिखाई देती है, शिव जिसको प्रकाशित नहीं करते वो चीज़ सत्य दिखाई नहीं देते। यहाँ भी ऐसा लगता है कि पाश्चात्य दर्शन वालों ने इन्हीं से सीखा है, ऐसी जो चीज़ हमें दिखाई देती है हम इसी उसी को अस्तित्ववाद मानते हैं कि यही अस्तित्व में है, और जो हमें नहीं दिखाई देती उसका हम अस्तित्व ही नहीं मानते। तो इसलिए शिव ही, शिव को इन्होंने माना कि केवल शिव ही आराध्य हैं, शिव ही अस्तित्व वाले हैं, शिव का ही अस्तित्व है, इसलिए शिव यथार्थ शक्ति हैं। और विमर्श वो है जो शिव को सक्रिय बनाते हैं, जो शक्ति इनकी है, बिना शक्ति के काम नहीं कर सकते शिव कुछ भी, शक्ति अनिवार्य है शिव के अंदर। तो इस शक्ति को जब हम जब कर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि शिव की महानता सारे जगत के अंदर कितनी ज़्यादा है, इन शक्तियों के कारण से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। तो प्रकाश और विमर्श जो है, इस दर्शन को प्रकाश और विमर्श दर्शन भी कहते हैं। जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है ये प्रकाश और विमर्श के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि आम आदमी प्रतिभिज्ञा को इतना नहीं समझ सकता जितना प्रकाश को समझता है, विमर्श को समझता है। तो प्रकाश और विमर्श जो हैं ये शिव और शक्ति का सायुज्य है। जब इनका सायुज्य हो जाता है तभी संसार की में दोनों काम होते हैं। शिव जो हैं अपने जब चाहते हैं खड़े हो जाते हैं और उनके अंदर स्पंदन आ जाता है शिव के, तो उन्मेष होता है, वो शक्ति उन्मीलन करती है, और उन्मीलन करने से जगत की सृष्टि हो जाती है, सब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और जब वो भगवान शंकर में स्पंदन शक्ति शांत हो जाती है, क्योंकि बिना शक्ति के, तो ये उस उन्मीलन को जो हमारा सामने सबके दिखाई दिया है उसको लय कर लेते हैं अंदर। इसीलिए उन्होंने, वीर शिव वालों ने उनको स्थल कहा, और इन्होंने कहा कि आधार है शिव सबका, प्रकाश जो है वो विमर्श और प्रकाश ही सारे जगत का आधार है। तो शिव आधारभूता आधारभूत शक्ति भी है, शिव का आधारभूत तत्व है जिसमें सारे जगत का आधार शिव ही है। अब शिव की जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों के बिना ये मानते हैं कि शक्ति तो शिव से अलग हो ही नहीं सकती, इसी तरह शिव शक्ति से अलग नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे जुड़े हुए हैं कि शिव और शक्ति को एक ही माना जाता है, वही शिव हैं। और उन्हीं का जो विमर्श रूप है, यानी सामने की तरफ से देखो तो वो शिव हैं, और पीठ की तरफ से देखो तो वो शक्ति है, विमर्श हैं, और दोनों मिलकर के शिव, असली शिव तंत्र बनता है, शिव बनते हैं। तो इन्होंने शक्तियों को, सारियों को बड़े विस्तार के साथ एक एक शक्ति का वर्णन करना शुरू किया इन्होंने।